मैं तकरीबन तमाम जो सेशंस यहाँ पे हुए इन चार मोशंस के ऊपर पे मौजूद रहा और मैं सबसे पहले एड्रेस करना चाहूँगा जो इसका पहला जुज है द हाउस में डिस्कस द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लोन्स रिसेंटली ऑब्टेन्ड और बीइंग ऑब्टेन्ड और बॉन्ड्स रेज्ड फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एंड मल्टीलैटरल लेंडर्स बाय द गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान. माजी में तो आप जानते हैं कि हमारी टोटल पब्लिक डेट पिछले 10 साल में 8000 अरब से, जब हमारी हुकूमत बल्कि उसके आने से भी पहले 30 जून तक 28000 अरब रुपए तक पहुंच चुकी थी और जो एक्सटर्नल लोन्स हैं वो 61 बिलियन डॉलर से लेके पिछले 5 साल में 94 बिलियन डॉलर पे चले गए. अब जो बिल्कुल हालिया माजी है उसके अंदर जो लोन्स की तादाद है वो मैं हाउस के सामने रखना चाहूंगा ताकि मैं इस मोशन को सब्सटेंशियली एड्रेस कर सकूं. जून 2018 में निगरान हुकूमत ने 200 मिलियन डॉलर का एमिरेट्स एनबीडी से कर्ज लिया कमर्शियल बोरोइंग की मद में. उसके बाद जुलाई में निगरान हुकूमत ने दोबारा एमिरेट्स एनबीडी बैंक से 20 मिलियन डॉलर का, क्रेडिट स्विस से जुलाई में 50 मिलियन डॉलर का और फिर सितंबर में जब नई हुकूमत आई तो क्रेडिट स्विस बैंक से 170 मिलियन डॉलर और अक्टूबर में डीआईबी बैंक से 160 मिलियन डॉलर का कर्ज लिया. ये इस फाइनेंशियल ईयर में देखा जाए तो 400 मिलियन डॉलर बनता है और पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो निगरान हुकूमत ने लिया वो 200 मिलियन डॉलर के करीब बनता है और इसमें से भी जो हमने लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वो 170 मिलियन डॉलर और 160 मिलियन डॉलर है इस 400 मिलियन डॉलर में से, बाकी निगरान हुकूमत ने लिया. अब जरूरत इस अमर की है कि हम ये समझें कि इस मरतबा हम क्या ऐसा मुख्तलिफ करेंगे जो माजी की हुकूमतों ने नहीं किया. और फॉर्मर लोन्स जो है जिसकी जिक्र किया गया उसी की मद में मैं ये भी जिक्र करना चाहूंगा कि सऊदी अरेबिया के साथ जो हमने लोन्स का जो पैकेज या जो सपोर्ट का पैकेज फाइनलाइज किया, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वजीर खारजा ने बड़ी तफसील के साथ उसका तमाम उसकी डिटेल्स बताई थी. मैं यहाँ बुनियादी तौर पर रिपीट कर देता हूँ कि 3 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो हमारे अकाउंट में प्लेस किए जाएंगे फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट विद द प्रोविजो इट मे बी एक्सटेंडेबल फर्दर आफ्टर द लैप्स ऑफ 1 ईयर. और इसके अलावा डिफर्ड पेमेंट ऑयल फैसिलिटी जो है वो 3 बिलियन डॉलर की सालाना होगी फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी 3 बिलियन डॉलर एक साल, फिर 3 बिलियन डॉलर दूसरे साल और फिर 3 बिलियन डॉलर तीसरे साल. चाइना के साथ मोडालिटीज तय की जा रही हैं, जब कॉन्क्रीट शक्ल इख्तियार करेंगी तो इंशाल्लाह ताला हाउस को हम जरूर इन्फॉर्म करेंगे उसके बारे में. मैं यहां पे ये भी बताना चाहता हूं कि नई हुकूमत जब हमने ये संभाली तो एक इमीडिएट क्राइसिस था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का. हमें नजर आ रहा था कि हम एक क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं. आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के इकदामात की वजह से हम उस क्राइसिस से इन द इमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म निकल चुके हैं. और कैसे निकल चुके हैं मैं बताना चाहता हूं. एक्सपोर्ट्स ने पहले क्वार्टर में 4.6% इजाफा रजिस्टर किया, रेमिटेंसेज ने 13.6% इजाफा रजिस्टर किया, पिछले माह 20% से ज्यादा रजिस्टर किया. इंपोर्ट्स में आपकी कमी आ रही है क्योंकि हमने रेगुलेटरी ड्यूटी इंपोज की है लग्जरी गुड्स के ऊपर. करंट अकाउंट डेफिसिट जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तजर्बाकार हुकूमत के अंदर 1.8 बिलियन डॉलर माहाना पे खड़ा था, पिछले 2 महीने का जो डेटा आ रहा है तो वो 1 बिलियन डॉलर से कम चला गया. अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम इस करंट अकाउंट डेफिसिट को, जो ये रवां साल जा रहा है, इसको 18 बिलियन डॉलर से हम 12 मिलियन डॉलर पर ले आएंगे. अगर ये इस्लाहाती कदम ना उठाए जाते तो जो ट्रेंड बताया जा रहा था माहिरीन की तरफ से वो ये था कि ये 18 बिलियन डॉलर से 22-23 बिलियन डॉलर पर चला जाएगा. तो लिहाजा हम अब मुझे इस हाउस को ये बताते हुए फख्र महसूस होता है चेयरमैन साहब कि हम एक इमीडिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो क्राइसिस था उसको ये मौजूदा हुकूमत जो है वो अवर्ट कर चुकी है. पनामा के हवाले से बात हुई और इसमें कोई शक नहीं कि 444 लोगों के खिलाफ डेटा मौजूद था. माजी की हुकूमत ने उस पर बड़ा महदूद सा काम किया. 150 लोगों को इसलिए प्रसू नहीं किया कि उनकी मालूमात मुकम्मल नहीं थी और 242 लोग ऐसे थे, 242 लोग जिनके खिलाफ इसलिए एक्शन नहीं लिया गया कि शायद वो टाइम बार हो गए हैं. हमने कानून को बड़ी बारीकी से देखा है, कोई ऐसी टाइम बार की हमारे ऊपर बंदिश नहीं है.
इस मौजूदा हुकूमत ने ऑलरेडी उन 150 लोगों का जिनका डेटा इनकम्प्लीट था वो डेटा भी मुकम्मल करना शुरू कर लिया है और उन 242 लोगों के खिलाफ एक्शन और इन्वेस्टिगेशन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से शुरू हो चुका है। ये पिछली हुकूमत ने नहीं किया, ये मौजूदा हुकूमत ने अब आके किया है और आप हिसाब लगा लेंगे ये डेटा कब से मौजूद है, ये पानामा लीक्स का डेटा जो है ये कब से मौजूद है। इसके अलावा 27 मुल्कों से 96,000 पहले 100 दिनों में जब यहां पे शेर व शायरी हो रही थी और जुमले कसे जा रहे थे तो हम अपने दफ्तरों में बैठे दिन रात काम कर रहे थे, 96,000 फॉरेन अकाउंट्स का डेटा जो रेजिडेंट पाकिस्तानीज मेंटेन कर रहे हैं हम ऑलरेडी 27 मुल्कों से ले चुके हैं, 13 मुल्कों से मजीद आ रहा है, इस डेटे के अंदर इजाफा किया जाएगा। FBR 6 कमिश्नरेट्स अपॉइंट कर रहा है, 6 दफातर बना रहा है, सेल्स बना रहा है जो इन केसेस को परसू करेंगे फॉरेन करेंसी के जो अकाउंट्स ऑफशोर जो फॉरेन अकाउंट्स मौजूद हैं जो पर रेजिडेंट पाकिस्तानीज के हैं उनकी मुकम्मल छानबीन की जाएगी और उनसे हम रिकवरियां करने का सिलसिला शुरू करेंगे। पनामा केस के अंदर से भी तकरीबन 6 से 7 अरब रुपए जो हैं वो ऑलरेडी FBR रिकवर कर चुकी है और इंशाल्लाह ताला ये जब हम बाकी जो 242 केस जो पिछली हुकूमत ने परसू नहीं किए थे जब हम उनके खिलाफ जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें यकीन है कि इसमें मजीद बेहतरी आएगी। चाइना के हवाले से बात हुई कि चाइना का दौरा कैसा गया, कैसे भीख मांगी आपने, मैं समझता हूं कि ये जानते होंगे कि भीख कैसे मांगी जाती है। 18 मरतबा ये तजर्बाकार हुकूमतें IMF के पास गई हैं, ये जो हमारे आज 94 अरब डॉलर पे लोन्स खड़े हैं, 8,000 अरब से लेके हम 10 साल में 28,000 अरब पे जो हमारी टोटल पब्लिक डेट चली गई है तो बिल्कुल महारत हासिल होगी इन्हें इस चीज में। लेकिन हम ये मौजूदा हुकूमत इस चीज को यकीनी बनाएगी कि जो अगली आने वाली हुकूमत है चाहे वो हमारी हो या किसी और की हो उसको ऐसा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का सामना ना हो, ऐसा इकोनॉमी का सामना ना हो जैसा हमें वर्षे में दिया गया था। एक और चीज जो हम करने जा रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी की डेफिनेशन ठीक करने जा रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट कैसे रिपोर्ट किया जाता है इसकी डेफिनेशन को चेंज किया गया पिछले 5 साल, डेट टू GDP रेशियो के कानून को बदला गया ताकि 72% या 74% पे जो फिगर खड़ी है उसको 66% के ऊपर शो किया जाए, कानून बदला गया, मौजूदा रिकॉर्ड सारा। और इसके अलावा बेतहाशा अकाउंटेंसी की डेफिनेशंस को इस्तेमाल करके, अकाउंटेंसी की ट्रिक्स को और गिमिक्री को इस्तेमाल करके अपनी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन को नाकाम कोशिश की गई बेहतर दिखाने की, हम इन सारी डेफिनेशन को ठीक कर रहे हैं। आरजी तौर पे ऐसे महसूस होएगा कि जैसे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थोड़े डिटीरियोरेट किए हैं क्योंकि जब हम डेफिनेशंस को ठीक करेंगे तो उससे डेफिनेशंस फिगर्स थोड़ी सी बदलेंगी, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मौका मिलेगा, 2-3 शेर व शायरी करने का मौका मिलेगा, लेकिन आने वाली नस्लों को उसका फायदा होगा कि पिछले 5 साल में ये जो गिमिक्री मोईशत के साथ खेली गई, ये कहते हैं ना कि चाइना जाके आपने वो एंटी करप्शन के जो चीफ बैठे थे उनके सामने आपने करप्शन की बात नहीं करनी थी, जब आप अपनी फिगर्स को इस तरह फज करते हैं, अकाउंटेंसी की गिमिक्री इस्तेमाल करते हैं उससे आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। करप्शन के खिलाफ गुफ्तगू करने से क्रेडिबिलिटी किसी मुल्क की खराब नहीं होती, उससे आपकी मौजूदा हुकूमत का रिजॉल्व शो होता है कि ये लोग अब इस मुल्क को ठीक करने, इस मुल्क के निजाम को ट्रांसपेरेंट करने आए। यहां पर डिवाइन जस्टिस की बात हुई, मैं अपने रब के आगे आज इसी से बात करता हूं, हम डिवाइन जस्टिस की बात नहीं करते, ना अपने लिए ना आपके लिए, हम डिवाइन मर्सी की बात करते हैं कि अल्लाह हम पे भी रहम करे और आप पे भी रहम करे, आपको भी हदायत दे, हम में भी जो कमियां हैं वो दूर करे। इसी ऐवान में एक शख्स मौजूद है जिसने कहा था शेरवानी के बटन तक नहीं मिलेंगे, कुर्सियां गिना करते थे वो, किधर गए आज, बड़ा बोल बोला था, मुकाफाते अमल सामने आ गए। इसलिए बड़ा बोल बोलने से घबराएं, उम्र बड़ी होने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता, सिर्फ हमें तो तरबियत ये दी गई है कि इंसान अपने किरदार से बड़ा होता है, अपनी गुफ्तगू से बड़ा होता है। हर शख्स की एक पहचान है इस सेनेट में, कोई इकोनॉमी का माहिर है, कोई सनत का माहिर है, कोई सियासियात का माहिर है, आप किस चीज में अपनी महारत दिखाना चाह रहे हैं, जुमलेबाजी में, थिएटरबाजी में, किस तरह का, हम तो आप हम जब हम बाहर थे, हम तो पहली मरतबा आए हैं इस ऐवान में, हम तो बाहर बैठ के दर्श सुना करते थे कि पार्लियामेंट का तकद्दस है, ऐवान का तकद्दस है। जब यहां पर जो गुफ्तगू की गई, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ऑपोजिशन के बेंच जो थे उनके ऊपर डेस्क बजाए जा रहे थे, रोका नहीं जा रहा था, और ये वही लोग थे जो थकते नहीं है यहां पे पार्लियामान के तकद्दस की बात करते हुए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यहां पे बैठ के चंद रोज पहले जो गुफ्तगू इस्तेमाल की गई, आपने बिल्कुल ठीक एक्सपंज की, आपने बिल्कुल ठीक किया, आपने एक्सपंज की, लेकिन उस वक्त भी रोका नहीं गया। ये जो लोग आज कह रहे हैं ना कि गोलियां चला दो, ये कर दो, इन्होंने उस शख्स को भी नहीं रोका।
تو لہٰذا میں اب گفتگو آگے لے کے جاؤں گا جی. پیٹرولیم پرائسز کے اوپر بات ہوئی. پیٹرولیم پرائسز کی جو بیس لائن ہم نے لی تھی جب سے ہم نے قیمتیں نہیں بڑھائیں وہ تقریباً جب $65 سے لے کے $70 تک قیمتیں تھیں برینٹ کی, تب سے لے کے اب تک ہم نے دو ماہ میں قیمتیں نہیں بڑھائیں. 20 ارب روپے سے زیادہ کا حکومت کو نقصان ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے قیمتیں نہیں بڑھائیں. برینٹ کی قیمت آج بھی $70 ہے, $70 سے نیچے نہیں گئی. جو بیس لائن ہم نے جب لی تھی جب پرانی پرائسز فکس ہوئی تھیں تو اس وقت تیل کی قیمتیں آج کی قیمتوں سے بھی کم تھیں. میں سمجھ نہیں سک رہا کہ اس کے اوپر اتنی گفتگو کی گئی, سارا کچھ کیا گیا. اگر تھوڑا سا ڈیٹا کو ریسرچ کر لیا جاتا کہ لاسٹ پیٹرولیم کی پرائسز کب بڑھی تھیں اور اس وقت برینٹ کی قیمت کیا تھی اور آج برینٹ کی قیمت کیا ہے پوری دنیا میں, تو یہ بات سمجھنے میں زیادہ دقت نہیں آنی تھی کہ اس وقت بھی عالمی منڈی میں ہماری بیس لائن سے قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ویسے بھی ڈی ویلیویشن ہو چکی ہے ہمارے ملک کے اندر, وہ قیمت جو ہے وہ ویسے بھی اس کی بڑھ چکی ہے. ہم معیشت کو جس سمت میں لے جانا چاہ رہے ہیں ہم یقین نہیں رکھتے ڈیفیسٹ فائنینسڈ گروتھ میں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آپ قرضے لے لے کے ملک سے ڈیفیسٹ, بڑے بڑے فسکل ڈیفیسٹ 2000 ارب کا, 2300 ارب کا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا $2.5 ارب سے $18 ارب پہ چلا جائے, آپ کے سارے جو قومی اثاثے ہیں وہ گروی رکھوا دیے جائیں, آپ کے اسٹریٹیجک ایسٹس کو ان کو بھی گروی رکھوا دیا جائے اور آپ کہیں جی یہ جی ہماری معیشت تو بڑی تباہ کن تھی اور ہماری پالیسیاں بڑی اچھی تھیں اور ہم بڑے تجربہ کار ہیں اور ہم جو ہیں وہ بڑا سمجھتے ہیں اور آپ نہیں سمجھتے. یہ کوئی معیشت چلانے کا اصول نہیں ہے جناب چیئرمین. معیشت تو چلتی ہے معیشت کے اصولوں پہ, معیشت اکاؤنٹنسی کے اصولوں پہ نہیں چلتی. اور معذرت کے ساتھ پچھلے 5 سال میں معیشت کو ایک اکاؤنٹنسی کے اصول پہ چلایا گیا, ڈیفینیشنز بدلیں گے, گیمکری کی گئی, اور جو انڈر لائنگ اکنامک ریفارمز ہیں وہ پچھلے 30 سال 40 سال میں کسی حکومت نے اس کی طرف قدم نہیں بڑھایا. ہم بڑھائیں گے. آلریڈی ہم نے ایف بی آر کے اندر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم پالیسی کو علیحدہ کر رہے ہیں, پالیسی ونگ کو کلیکشن کے ساتھ. ہم نے آلریڈی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مزید ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو اسکویز نہیں کیا جائے گا, ٹیکس بیس کو براڈن کی جائے گی, اور ایک کمپریہنسو ریفارم پیکج جو ہے وہ اگلی یا اس سے اگلی کابینہ کی میٹنگ میں رکھا جا رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب کو اس کے اوپر بریفنگ بھی دی گئی ہے. یہ سب چیزیں کرنی ضروری ہیں. ہماری ایکسپورٹ بیس 4.6% ایکسپورٹس آلریڈی گرو کر چکی ہیں, حالانکہ ابھی قانونی سکن کی وجہ سے ہم نے بجلی کی اور قیمت کے جو بجلی کی اور گیس کی قیمتیں ہیں ان کی جو سبسیڈائز قیمتیں ہیں وہ ٹرانسفر نہیں کی ان کو ٹیکسٹائل اونرز کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوگرا صرف سسٹم گیس کی پرائس نوٹیفائی کر سکتا ہے. ہم نے جو ایل این جی دینی ہے ٹیکسٹائل اور ایکسپورٹ سیکٹرز کو سردیوں میں اس کی قیمت کا نوٹیفائی کرنے کا اس کے پاس قانونی اختیار نہیں ہے. لہٰذا ہم نے ایکسپورٹرز کو یہ کہا ہے کہ جو آپ کا اگلا بل آئے گا اس میں ہم جو آپ کے پچھلے ماہ کی کنزمپشن تھی اس کی رقم کو ایڈجسٹ کر لیں گے. تو اس وقت ان کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی جو ہم نے ان کے ساتھ رقم طے کی تھی ہم انہیں وہ نہیں دے رہے یا ہم بجلی کے نرخ ان کو نہیں دے رہے. وہ یہ ہم سب کچھ کریں گے. یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کی ریجنل ایوریج ہیں, چائنا, بنگلہ دیش, سری لنکا, ان سب ملکوں کے ساتھ ہمارا انڈیا, ان سب ملکوں کے ساتھ ہمارے ایکسپورٹرز کا مقابلہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ایکسپورٹرز کو گیس کی اور بجلی کی پرائسز ان کے ریجنل کمپیٹیٹرز کے ساتھ ملا کے دیں گے تاکہ ایکسپورٹس کے اندر اضافہ ہو سکے. امپورٹس کے اندر کمی آلریڈی شروع ہو چکی ہے. ریمیٹنسز کے اندر ایک بڑا ڈرامیٹک انکریز آ چکا ہے. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ماہانہ $1 ارب سے نیچے آ چکا ہے, 1.7-1.8 ارب کی سطح سے. اور اب ہم ایک میکرو اکنامک کرائسس سے ان دا شارٹ ٹرم ہم الحمدللہ نکل چکے ہیں. اب ہمارا راستہ صاف ہے کہ ہم اپنا ریفارم ایجنڈا جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں اور اس ملک کی جو معیشت ہے اس کے اندر ہم وہ فیصلے کریں کہ جن فیصلوں سے پچھلی حکومتیں کتراتی رہی ہیں. انشاءاللہ تعالی جب ہم یہ فیصلے کریں گے یہ ملک بھی ترقی کرے گا. یہ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ جو اس وقت عارضی طور پہ جو ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں یہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ جو 40 سال کا بگاڑ تھا یہ ہم 70 دنوں میں یا 100 دنوں میں یہ سارا کا سارا ٹھیک ہو جائے گا. ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ ان 100 دنوں میں ہم سمت اپنی درست کر لیں گے اپنے ملک کی, اور الحمدللہ ہم نے اپنے ملک کی سمت کو درست کر لیا ہے. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. سینٹ میں جب بھی یہاں پہ آتا ہوں تو سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے, لیکن جو لوگ یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وزیر موجود نہیں ہوتے اور وزیر صاحب جواب دیں, میری آپ سے گزارش ہے کہ جب ہم جواب دیتے ہیں تو ان کو اخلاقی طور پہ موجود ہونا چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو جی. جی, اسٹیٹمنٹ بائی سیکرٹری سینٹ انڈر رولز 277 آف دا سینٹ رولز ریگارڈنگ دا پٹیشنز. منسٹر صاحب نے بولنا ہے جی. جی, اس کے بعد بولیں جی. جی سر, اٹ از فار دی انفارمیشن آف دی ہاؤس دیٹ ڈیورنگ دی انٹروینگ پیریڈز آف 282nd اینڈ 284th سیشن a total of 59 public petitions were received
out of which 37 public petitions have been held inadmissible under the rules. 5 public petitions have been referred to the concerned standing committees. Thank you, sir. Thank you. The Minister for Petroleum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shukriya, Janab Chairman. Aapne mauka